बिग बॉस 13 के वीकेंड के वार में हमेशा कोई ना कोई सेलिब्रिटी घर के अंदर आता है और अपने गाने और मूवीज का प्रमोशन करता है। वह इस बार हिना खान और प्रियांक शर्मा घर के अंदर आए थे। वहीं घर के अंदर आते ही दोनों ने कंटेस्टेंट्स को टास्क दिया, जिसमें घर के एक मेंबर को 3 कंटेस्टेंट्स के बारे में बताना था जो उन्हें सबसे मजबूत लगते हैं, जिससे उन्हें सबसे ज्यादा खतरा है और जो उन्हें सबसे कमजोर लगता है। शनिवार के वीकेंड के वार के एपिसोड के बाद एक प्रोमो लॉन्च किया गया था, जिसमें पारस छाबड़ा आसिम को सबसे ज्यादा कमजोर बताते हुए नजर आए। पारस ने हिना से कहा कि भले ही घर वालों को आसिम चाहे खतरनाक कंटेस्टेंट मानते हैं, लेकिन उनके लिए आसिम बिल्कुल जीरो है। इसके जवाब में हिना कहती है कि आसिम के खेल को बाहर काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और लोग उन्हें काफी प्यार करते हैं। ये सीन प्रोमो में दिखाया गया था, लेकिन जब रविवार को ये एपिसोड दिखाया गया तो इस एपिसोड में हिना खान के इस सीन को नहीं दिखाया गया था, इस सीन को काट दिया गया था। इस सीन को काटने के बाद से ही सोशल मीडिया पर ये चर्चा शुरू हो गई है कि बिग बॉस के मेकर्स ने आखिर इस सीन को क्यों एडिट किया और टीवी पर इस सीन को क्यों नहीं दिखाया है। आपको क्या लगता है, इस सीन को क्यों एडिट किया गया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह की बिग बॉस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज़ को करें सब्सक्राइब, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्पण न्यूज़।